ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलिन। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे तत्काल टिकट को लेकर। आप लोग 2023 में कंफर्म तत्काल टिकट बुक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग करते समय यदि सारा प्रोसेस कर लेते हैं और पेमेंट मेथड सही नहीं सेलेक्ट करते हैं तो भी आप लोग कन्फर्म तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में यही जानेंगे आप लोग इस टाइम यानी कि 2023 में बेस्ट पेमेंट ऑप्शन कौन सी है जिससे कि आप इजीली तरीके से कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग को एसी ट्राई करके दिखाना वाला हो और कितने तेज हम पेमेंट कर सकते हैं और किसी प्रकार का एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से हम लोग कंफर्म तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी का टाइमिंग आपको 10 बजे बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 9:59 हो रहा है, 9:58। सिंपल यहाँ पे हम IRCTC लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, इसके बाद लॉगिन करना है। देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। सिंपल यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपल लॉगिन पे क्लिक करने हैं। फिलहाल मैं अभी 9:58 ही हो रहा है यानी कि 1 मिनट अभी आसपास बचा हुआ है। तो सिंपल हमें ट्रेन पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें प्लान वाइज जोन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिल्ली से मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे आनंद विहार से मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमें डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट कर लेते हैं। जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग प्रीमियम तत्काल में बुक करें, क्योंकि प्रीमियम तत्काल में टिकट आपको कंफर्म टिकट बुक हो जाएगा। यदि आप नॉर्मल टिकट बुक करते हैं हार्ड रूट में तो बुक होने के कम चांसेस है। तो इससे पहले आपको चेक करना है जिस ट्रेन में हम टिकट बुक कर रहे हैं उसमें प्रीमियम तत्काल का कोटा है या फिर नहीं है। तो सिंपल मैं यहाँ पे तत्काल ही सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इस रूट में इजीली तरीके से बुक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ जर्नी, यहाँ पे प्लान वाइज जोनी, इसके बाद कोटा में सेलेक्ट कर लिया। 9:59 हो रहा है, यहाँ पर हमें वेट करना है 10 बजने का। सिंपल पहले मैं हम सर्च ट्रेन पर क्लिक कर लेते हैं क्योंकि अभी 10 बजा नहीं है। तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो मैं सब क्रांति में 8 में ट्राई करना है। तो 9:59 कुछ सेकेंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर वेट करते हैं 10 बजने का। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे 10 बज गए। सिंपल हमें यहाँ पे 3rd AC पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 33 का कोटा है। तो सिंपल हमें पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल पहले से आपको सेव करके रखना है। जब भी तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप लोगों को एक साथ दो ही नाम बुक करना है। यहाँ पे पेमेंट मेथड की बात करते हैं, यहाँ पे UPI सेलेक्ट करना है, क्योंकि इस टाइम UPI काफ़ी फास्ट ज़्यादा पेमेंट कर रहा है। 3 से 4 सेकेंड में फाइनल पेमेंट आप कर सकते हैं जिससे कि आप लोग इजीली तरीके से कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज वेट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी 33 सीट का कोटा है, 33 सीट अभी बचाई है। तो यहाँ फिर सिंपल हमें कैप्चर फिल करना है, कैप्चर फिल करने से आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। प्रोसेस टू पे क्लिक करना है, पे पे क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं फाइनली हम भीम UPI सेलेक्ट करेंगे, UPI सेलेक्ट करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट UPI पे यहाँ पे क्लिक करना है। UPI पे सिंपल यहाँ पे आपको UPI नंबर डालना है, पता मैं UPI नंबर डाल देता हूँ। वेरीफाई पे करने के बाद सिंपल आपको पे पे क्लिक करना है। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को फोन पे ओपन करना है, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऊपर सिंपल आपको पे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे तो आपको टिकट कंफर्म बुक हो जाएंगे, क्योंकि इस समय तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम बेस्ट पेमेंट ऑप्शन की बात किया जाए तो आपको UPI ही है। इसके बाद सेकेंड मेथड की बात किया जाए तो यहाँ पे आप पेटीएम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में आप लोगों को सजेशन करूँगा फोनपे UPI यदि सेलेक्ट करते हैं तो कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं। बस आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।